आजमगढ़ लोकसभा सीट से शुरुआती आंकड़ा आने लगा है। यहां अखिलेश यादव ने बढ़त बना रखी है और भोजपुरी स्टार निरहुआ पीछे चल रहे हैं। आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव करीब 1.45 लाख वोट से बीजेपी के निरहुआ से आगे चल जीत हासिल कर ली है। आजमगढ़ सीट सपा का गढ़ मानी जाती है क्योंकि ये यादव बाहुल्य इलाका है। 2014 की प्रचंड मोदी लहर में भी मुलायम सिंह यादव इस सीट को बचाने में कामयाब रहे थे। इस बार अखिलेश अपने पिता की जगह इस सीट से मैदान में उतरे हैं और जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं बीजेपी ने निरहुआ को मैदान में उतारकर स्टारडम का दाव खेला है, तो इसका मतलब है कि आजमगढ़ लोकसभा सीट से अखिलेश यादव ने जीत हासिल कर ली है। नरेंद्र मोदी के वापस प्रधानमंत्री बनने पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लोकसभा चुनाव 2019 के रिजल्ट्स की हर पल की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। डेली ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।